नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शाहजहांपुर के ही मोहल्ला बावजोई के एक मस्जिद में एक समुदाय के ग्रंथ को ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति ने जला दिया। तो शाहजहांपुर में ही कुछ लोगों ने बीजेपी के बैनर फाड़ दिए और जलाकर अशांति फैलाना चाही, लेकिन पुलिस अधीक्षक एसानंद ने शांति कायम रखते हुए आरोपी को 24 घंटे में ही गिरफ्तार करवा लिया। आपको बता दें कि जिसके नगर में ही शांति और भाईचारा बरकरार रहा और जिससे खुश होकर ही बजरंग दल ने पुलिस अधीक्षक आनंद अय्यर को पटका पहनाकर ही श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर मुजफ्फरनगर में लापता एक 23 वर्षीय बलात्कार के आरोपी युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ही शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं मृतक युवक के घर मातम छाया हुआ है। बता दें आपको कि मृतक युवक को लगभग 1.5 महीने पहले गांव के ही सोनू उर्फ आकाश नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बलात्कार के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद से ही 20 अक्टूबर को मृतक युवक जमानत पर जेल से छूट कर बाहर आया था। जी, अब से 1 महीने पहले इसने अपने बहू के बारे में इल्जाम लगा के जेल भिजवा था जी, बलात्कार के केस में। कब गया था जी ये? पिछले अब से कोई 1.5 महीने पहले। अच्छा, अब ये 20 तारीख को आया था, जमानत करवा के लाए थे इसमें। अब ये अब जो 10-15 दिन हुए थे अभी, अब ये काम कर दिया इन्होंने। कल फोन करके बुला लिया, चुपचाप जाने की खुद ना करा या किसी से करवाया, और बुलवा के फिर पीछे पीछे अपना अपने आप को गया। अच्छा, फिर चला गया। फिर आपने क्या? हमने इसको फोन करा कि कहाँ है वो, उनको मंदिर का, इतने मंदिर पे कहीं इतने सब पावे, हमें मिला नहीं। फिर वो जब से हम पूरी रात ढूंढा, पूरा दिन ढूंढा, हम मिला जी गोली मार के। अवगत कराना है कि कल दिनांक 3/11/22 को थाना खतौली पर सत्येंद्र पुत्र सोहनवीर द्वारा अपने भाई सूरज को गायब होने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कर थाना खतौली पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। आज दिनांक 4/11/22 को उक्त सूरज का शव गांव के ही सतीशपुर मोहन सिंह के ईक के खेत से बरामद हुआ है। इसको देखने पर उसके सीने पर गनशॉट इंजरी का निशान था, जिसका पंचायतनामा पुलिस द्वारा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर SSB अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि कैनी नेपाल में ही पालिका चुनाव के मद्देनजर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर SSB जवानों ने बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया है और साथ ही सीमा पर आने जाने वालों की सघन तलाशी भी ली जा रही है, जिसमें SSB का डॉग स्क्वाड का दस्ता भी मौजूद रहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि SSB के ही कार्यवाहक कमांडेंट जय सिंह ने भी बॉर्डर पर दौरा किया है और जवानों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। श्रावस्ती में अज्ञात कारणों से किशोरी ने खुदकुशी कर ली है। खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर से सेट कराने के बाद से हुई है। आपको बता दें कि ड्राइवर से टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें मथुरा से खबर है, जहाँ पर 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डिवाइडर से टकराने पर ही ये हादसा हुआ है।
लखीमपुर खीरी के गांव गुलोला में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी से मारपीट की है, जिसके कारण मां बेटी को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि 24 घंटे के बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सीतापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखोरा पकड़ा है। 160 ट्रक में ही ये शराब चंडीगढ़ से बिहार जा रही थी। साथ ही पुलिस ने दो लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। हाथरस के अलीगढ़ एटा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कई वाहनों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में करीब 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलने पर ही पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं इलाज के लिए भी अस्पताल में भिजाया गया है, जहाँ घायलों का इलाज लगातार जारी है। अमेठी में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंग का तांडव देखने को मिला है, जहां दबंगों ने युवक को गोली मारकर तीन अन्य लोगों को लाठी डंडों से पीटा और घायल कर दिया है। आपको बता दें कि गोली लगने से युवक जो है घायल बताया जा रहा है, उसे CHC में लखनऊ रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। हरदोई में महिला सिपाही का वर्दी टिकटॉक पर वीडियो वायरल हो रहा है और महिला पुलिसकर्मी वायरल वीडियो में गाने और डायलॉग के साथ एक्टिंग करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हरदोई में पहले भी एक वीडियो वायरल होने पर पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला टिकटॉक बना रही है और वो भी पुलिस की वर्दी में। लक्सर के अकोड़ा कला गांव में ही एक युवक विशाल पुत्र शिव कुमार को उसी के रिश्ते के मामा ने ही उसके घर आकर गोली मार दी और जिससे युवक की हालत गंभीर हो गई। उसे लक्सर इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे हायर सेंटर इलाज के लिए भेज दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मतलब घेर में घास घुस घेरने लगा, मैं सकान लगी मका भाई चल घर रख, मैं चाय बना कर रख, मैं आ रहा चाय पीऊँगा। और इतने में आ गया वो ऋतिक और अज्जू और वो आपस में कान लगे, अगर कहना वो मेरा लड़का कान लगा, इन्होंने मुझे वहाँ मारा भी था। मैं कान लगी चल कोई बात नहीं, अज्जू आया और ऋतिक आया और उन्होंने ऋतिक ने इशारा करा, अज्जू ने एकदम कान लगा चल मैं तुझे बताऊँगा कोई बात तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं, और एकदम गोली ऐसे धरती सिर में गोली मारी। हाँ, अब मैंने देखा मेरा लड़का नीचे पड़ा था, यही थी मतलब मैं भी थी, मेरी लड़की भी थी। तो आज का ये पता लगा कि कहीं पीछे कुछ झगड़ा हुआ था आपस में, उसमें जो है ये ही इनका मामा रिश्ते का मामा लगता था मृतक का, ये मृतक है विशाल है और जो मामा है और रज्जू है, इनमें कुछ कहीं सुना है बाहर कोई झगड़ा किसी शादी वादी में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसमें आके उसने आज यहाँ पर उसे गोली मार दिया। इसमें जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे ही मुकदमा लिख गया अभी तो यही के हाथ ले गए उसको भी, क्या स्थिति है उसकी। ऋषिकेश में भी गास बगवाल के कार्यक्रमों की धूम रही। जगह जगह आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के ही संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से ही देखने को मिली है। लोगों के ढोल दमाओं की थाप पर जहां जमकर नृत्य किया है, वहीं भैलो खेल कर गास बगवाल के पर्व को मनाकर एक दूसरे को खूब मिठाई खिलाकर बधाइयाँ दी गई हैं। लोगों ने उत्तराखंड की बोली भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए ही इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का
आभार व्यक्त किया है। बता दें कि आवासीय कल्याण समिति और अंतर्राष्ट्रीय गढ़वाल महासभा के बैनर तले अग्रसेन नगर के ही पास भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें ऋषिकेश ही नहीं बल्कि IDPL श्यामपुर रायवाला और आसपास के ग्रामीण इलाकों के सैकड़ों संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया है। जिस तरह से राज्य सरकार ने इगास पर राजकीय अवकाश घोषित कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसी तरह से जो है आज यहाँ पर ऋषिकेश के अंदर उग्रसेन नगर जो आवासीय कल्याण समिति और गढ़वाल महासभा के तत्वावधान में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो पहाड़ी व्यंजनों के साथ साथ जो ढोल दमों की थाप के साथ जो है भैलो, जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध जो भैलो खेला जाता है, चीड़ की लकड़ियों को जलाकर उस पर एक डोर बांधकर उसे घुमाया जाता है, पर पहाड़ी नृत्य भी किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इगास पर्व की सबको बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इगास पर्व जानते हैं कि हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा है, लोक पर्व है। पूरे पहाड़ पे जब श्री राम भगवान जो है अयोध्या पहुँचे, दिवाली मनाई गई, पहाड़ पे बताया जाता है 11 दिन बाद सूचना मिली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।